अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास से कोई घोड़ा है या आपने नया नया ख़रीदा है तो उसकी टांगें कैसे बांधनी है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भी आपको सिखाएंगे, और अगर घोड़ा टांगें मारता है या काटता है तो इसके लिए उसको बांधना बड़ा ज़रूरी है ताकि उसकी आदत पड़े और वो लात मारने से अवॉइड करे। तो आए आपको सिखाते हैं कि ये भी थोड़ा घोड़ा हमारा एग्रेसिव है और ये लात भी मारता है, बैकलाइट लात भी मारता है और काटता भी है। चलिए आपको बताते हैं। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसकी मैं रस्सी लूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरी टांगें इसकी बांधनी है। अब ये बच्चा जो है काटता भी है और लात भी मारता है, तो इसकी आदत ख़त्म करने के लिए इसे बांधना बहुत ज़रूरी है इसके पाँव। तो इसको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा या आप कोई नया घोड़ा खरीदेगा तो मैं इसे पहले बताऊँगा कि मैं इसके पाँव साफ कर दूँगा। अब इसको ये पता चल रहा है कि मैं इसके पाँव साफ कर दूँ, ये मुझे अभी कुछ नहीं कह रहा। तो चलो अभी साफ कर ही रहे हैं तो कर ही देते हैं पाँव साफ इसके। उसके बाद अब इसको मैं बताऊंगा कि मैं इसका दूसरा पाँव साफ करने लगा हूँ, और इसने अपनी टांग मुझे पकड़ा दी इस तरफ। क्योंकि घोड़ों को पांव साफ करवाना अच्छा लगता है। अब इसको पता चल गया कि मैं इसके पांव साफ कर रहा हूं तो अब मुझे तीसरी लात भी पकड़वा देगा इस तरीके से। लेकिन ख्याल करना है आपको, अगर आप न्यू हैं और आपने नया नया घोड़ा पाला है, ये मैंने रस्सी टाई की हुई है और मैं फ़ौरन इसको पहना दूंगा। इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया और इसकी टांग मैंने पकड़ ली। अब पहले से बेहतर रही, पहले से टांगें कम मारता है, लेकिन इसे कंटिन्यू रखना है ऐसे ही ताकि ये रस्सी में बंधा रहे। तो अब मैं थोड़ी इसकी लगाम भी टाइट कर देता हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि दूसरे जानवरों को ये लात नहीं मारता और इस पर खड़ा रहता है। अब मैं पहले तो इसकी अब ये लगाम टाइट करूँगा। अब जो है ये देखें, अब इसकी टांग मैंने दीवार से लगाई हुई। वैसे चाहें तो आप नीचे भी इस तरीके से यहाँ पे किल्ला ठोक दें तो टांग उसकी यहाँ बांधी जा सकती है, लेकिन चूंकि मेरे पास जगह बनी हुई थी तो मैंने इसको यहाँ बांध दिया थोड़ा इसको पीछे। बस सही है, अब ये इस तरफ नहीं जाएगा और इन जानवरों को काटेगा भी नहीं, क्योंकि बाजू का जानवरों के कान काट लेता जानवर। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।